कर तो आप एक साइड से भी सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा आपको फिर और ज़्यादा लॉजिक सोचना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं। जो आपके पास नाइन्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये है हमारे पास कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन ए प्लस कॉट ए, ठीक है जी। बस तो अब आप, जैसा मैंने आपसे कहा कि क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर आप एलएचएस में देखो कुछ नहीं कर सकते, लेफ्ट हैंड साइड में नथिंग, स्टार्ट ही नहीं ले सकते। तो यहाँ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का रूल है कि आप क्या करिए, आप सारे टर्म्स को साइन कॉस में चेंज कर दिए, बाद में सोचेंगे क्या होगा। मतलब कॉसक कैन बी रिटन एज वन अपॉन साइन, तो इस साइन को तो चेंज नहीं करेंगे, तो एज इट इज रहेगा, ये हमारा एल एच एस है। एंड सेक को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस, ये एज इट इज, कुछ नहीं कर सकते। अब जब आप चेंज करोगे अब कुछ कर सकते हो, कॉमन आएगा, एलसीएम आएगा, व्हाटएवर। तो अब यहाँ एलसीएम आ गया साइन ए, तो ये हो गया वन माइनस साइन ए स्क्वायर, यहाँ एलसीएम आ गया कॉस ए, ये हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर। अब वन माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर होता है, एंड वन माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन, तो कॉस ए से साइन ए से, तो रेस्ट कॉस ए इंटू ये बस, ठीक है जी। अब यहां से वहां कैसे पहुंचे, पहुंच तो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको कि भाई हमें तो ये तो प्रोडक्ट में आ गया, वहां टेन चाहिए, कॉट चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे करूंगा लेकिन बाद में करेंगे पहले। अब हमारे पास क्या इजी है कि हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लें, जब हमें कुछ समझ में ना आए तो अच्छा तरीका यह है कि आर एच एस सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करो, आपके पास टेन दिया हुआ है तो टेन को भी कुछ नहीं कर सकते, चेंज इन साइन बाई कॉस, कॉट कॉस बाई साइन, सो वॉट वन, एल सी एम इज वॉट कॉस इंटू साइन, साइन इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस, ये ऊपर आ जाएगा, तो वॉट कॉस ए इंटू साइन ए, एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज द आंसर, तो कॉस ए इंटू, सो एल एच एस इक्वल्स टू ये। अब अगर आपको एल एच एस से जाना है तो यही रिवर्स प्रोसेस है, बस क्या है रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस क्या है, ये है हमारे पास कॉस ए इंटू साइन है, अगर हम इसे अपॉन वन कंसीडर करें, क्या करें, अपॉन वन को हम क्या लिखें, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस, और अब कॉस और साइन से क्या कर दें, डिवाइड करें, तो ये अपनी तरफ से कर रहे हैं। अब पता नहीं हमें एग्जाम में समझ में आएगा नहीं कि अपनी तरफ से क्या करना है, तो इसलिए समटाइम्स क्या होता है कि हम एल एच एस भी सॉल्व कर देते हैं, आर एच एस भी सॉल्व कर देते हैं, दोनों देख लेते हैं, एक पल आ रहा नहीं आ रहा। तो अगर आप इसे डिवाइड करते कॉस बाई साइन से तो ये तो वन हो जाता, ये क्या होता साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, तो साइन की वन पावर से कॉस की वन पावर से, तो साइन बाई कॉस टेन ए, यस, एंड कॉस बाई साइन। तो ऐसा नहीं है कि आप एल एच एस से आर एच एस नहीं कर सकते, बट समटाइम्स हमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए क्या होता है, अगर नहीं कुछ हो रहा तो एल एच एस भी सॉल्व कर दो, आर एच एस भी सॉल्व, क्लियर है जी, कोशिश कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।